सत श्री अकाल एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम बनाते हैं खोया पनीर। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। आप एक कढ़ाई ले लीजिए, उसमें ऑयल गरम कर लीजिए। जब ऑयल गरम हो जाए तो आप उसमें अदरक लहसुन हरी मिर्च और प्याज काट कर उसको फ्राई कर लीजिए। जब प्याज थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो आप उसमें टमाटर और काजू डालकर उसको भी 3 से 4 मिनट फ्राई कर लीजिए। अब आप गैस बंद कर दीजिए और मसाले को एक प्लेट में निकाल कर ठंडा। जब मसाला ठंडा हो जाए तो आप उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। अब आप उसी कढ़ाई में ऑयल गरम कर लीजिए और इसमें लाल कश्मीरी मिर्च डाल दीजिए। जब मिर्च भुन जाए तो जो हमने मसाला ग्राइंड करके रखा था उसको डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और उसको भी मिला लीजिए। अब आप इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक टेस्ट के अनुसार डालकर उसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आप इसमें कसूरी मेथी डाल दीजिए और उसको भी मिक्स कर लीजिए। अब आप इसमें गरम मसाला पाउडर डालकर इसको ढक दीजिए और 4 से 5 मिनट पका लीजिए। जब मसाला भुन जाए तो आप इसमें खोया डाल दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब खोया मिक्स हो जाए तो आप इसमें पनीर काट कर डाल दीजिए और उसको भी अच्छे से मिला लीजिए। अब आप इसको 3 से 4 मिनट ढक के पका लीजिए। अब आप इसमें मलाई डाल दीजिए। अगर आपके पास क्रीम है तो आप क्रीम भी डाल सकती हैं और इसको मिक्स कर लीजिए। अब खोया पनीर बनकर तैयार है। आप मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।